अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम जमात हफ्तुम के मजमून जुग्राफिया के सबक नंबर 7 मिट्टी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले हमने तमीज़ी वीडियो में मिट्टी के बारे में मालूमात हासिल की। हमने देखा कि मिट्टी में कौन कौन से अज़ा पाए जाते हैं, मिट्टी के तश्कील में हयाती अज्जा और गैर हयाती अज्जा कहाँ से आते हैं, मिट्टी का तमु किन अज्जा पर मुनसर होता है, इसके बारे में हमने तफसील से मालूम हासिल किया। अब हम मिट्टी की तश्कील में हिस्सा लेने वाले अवामिल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मोरस चट्टान। मोरस चट्टान यानी ऐसे चट्टान जो कुदरती तौर पर बनी हो, जो चट्टान का बुनियाद होती है, इसे मोरस चट्टान कहते हैं। जिस इलाके में मिट्टी बनने का अमल होता है, इस अमल में मोरस चट्टान अहम आमिल होती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस इलाके में मोरस चट्टान होंगी, इस इलाके की मिट्टी की तश्कील का अमल अच्छी तरह होगा। किसी इलाके में होने वाली बारिश, तेज़ सूरज की रोशनी की वजह से मोरस चट्टान की फरसुदगी यानी टूट फूट होती है, जिससे चट्टान के सुफूब में तब्दील होने पर मिट्टी वजूद में आती है। मसलन महाराष्ट्र में दक्कन की सतह मुतवा पर मोरस चट्टान बसाल्ट की फरसुदगी होने पर काली मिट्टी तैयार होती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जुनूबी भारत में मोरस चट्टान ग्रेनाइट और नीस की फरसुदगी के सबब सुर्ख मिट्टी तैयार होती है। अगला है इलाकाई आबोहवा। आबोहवा यानी किसी ख़ास मुकाम पर पैदा होने वाले मौसमों की तवील मुद्दती कैफियत के औसत को इस इलाके की आबोहवा कहते हैं। आबोहवा मिट्टी के तश्कील में असरअंदाज होने वाला दूसरा अहम आमिल है। चट्टानों की फरसुदगी का इनेसार इस इलाके की आबोहवा पर होता है और आबोहवा ही फरसुदगी की शिद्दत को तय करती है। एक मोरस चट्टान पर मुख्तलिफ आबोहवा की वजह से मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी तैयार होती है। मसलन सिहादरी के मगरबी हिस्से में जहाँ मरतुब आबोहवा यानी ऐसी आबोहवा जिसमें नमी होती है, जिसकी वजह से बसाल चट्टानों से पानी रिसने यानी तकतीर होने के सबब जांदी मिट्टी यानी लेटराइट या गुले खस्ता तैयार होती है। जबकि दक्कन की सतह मुतवा पर खुश्क आबोहवा की वजह से बसाल चट्टानों से रेगुर मिट्टी यानी काली कसदार मिट्टी तैयार होती है। अगला वामिल है हयाती अज्जा। चट्टानों की फरसुदगी के सबब रेजे या जिसे हम बुरादा या सफूफ कहते हैं तैयार होते हैं, लेकिन अभी इन रेज़ों को मिट्टी नहीं कहेंगे। मिट्टी चट्टानों के रेज़ों के साथ हयाती अज्जा की आमेजिश होती है, मतलब के चट्टानों की टूट फूट से जो बुरादा हासिल होता है, इसमें हयाती अज्जा मिलते हैं, तब इस बुरादे को मिट्टी कह सकते हैं। हयाती अज्जा इस इलाके के नबातात और जानदारों के मुर्दा अज्साम जो के सड़ गल कर राख हो चुके होते हैं, इनमें मिल जाते हैं। इसी तरह नबात की जड़ें, सूखी घास और मुर्दा अज्साम अज्जा पानी में सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं। केचुए, हजारपा, दीमक, गोजर, चूटियाँ, ये कीड़े मिट्टी को ज़रखेज़ बनाते हैं और मिट्टी में ह्यूमस की मिकदार को बढ़ाते हैं। मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब ज़्यादा होने पर मिट्टी ज़रखेज़ बन जाती है। इन कीड़े मकोड़ों का मिट्टी में होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आजकल केचुआ खाद तैयार करने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अगला वामिल है मुद्दत। ये मिट्टी बनने का एक कुदरती अमल है।
इस अमल में मौसमी चट्टान, आबो हवा, हयाती अज्जा शामिल होते हैं। यह अमल बहुत सुस्त रफ्तार से होने की वजह से मिट्टी के मुकम्मल तौर पर तैयार होने में काफ़ी लंबा अरसा लग जाता है। एक आला दर्जे की मिट्टी की 2.5 सेंटीमीटर की तह बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मिट्टी कुदरत का अनमोल तोहफा है जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते। एक बात जहन नशीन कीजिए कि जिस इलाके में ज़्यादा बारिश और ज़्यादा दर्जा होता है वहाँ मिट्टी बनने का अमल तेज़ी से होता है। इसके बरखिलाफ जहाँ बारिश और दर्जा कम होता है वहाँ मिट्टी बनने का अमल सुस्त रफ्तार से होता है।